हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेस ऑर्गेनिक फार्मर यूज ट्राइकोडर्मा एंड बेक्यूलोवायरस एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स एक्सप्लेन सो क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं ये ट्राइकोडर्मा एंड बेक्यूलोवायरस को यूज करते हैं एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स सो हमें एक्सप्लेन करना है दैट ही क्यों इनको यूज कर रहे हैं सो द की कांसेप्ट गिवन हियर इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट सो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं एंड ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं इन एग्रीकल्चर और हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स को सो so, देख लेते हैं सो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग और कंट्रोलिंग एग्रीकल्चरल पेस्ट सो ये क्या करते हैं या तो ये मैनेज करते हैं या ये हमारे जो कल्चरल पेस्ट uh, होते हैं जिसमें हमारे इंसेक्ट्स आते हैं हमारे वीड्स uh, आते हैं हमारे प्लांट पैथोजेंस आते हैं ये उनको कंट्रोल करने में और मैनेज करने में हेल्प करता है नेक्स्ट अगर देखे जाए तो ये हमारा एक ऑल्टरनेटिव की तरह बिहेव करता है टू केमिकल पेस्टिसाइड्स सो so, ये हमारा ऑल्टरनेटिव होता है केमिकल पेस्टिसाइड्स के लिए सो so, अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं हमें जरूरत नहीं होती केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की इसकी वजह से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज है वो हमारे कम हो जाता है खत्म हो जाता है एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स बेसिकली हमारे जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हमारे क्रॉप्स हैं उनको बहुत आम करते हैं देआर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ये हमारी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्र, प्रमोट करते हैं

सो so, ये जो होते हैं ये हमारे लेडीबग्स फीड करती हैं ऑन एफिड्स एफिड्स माइट्स एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स सो उनके पॉपुलेशन को ये कम करती हैं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप में तो आते हैं हमारे पैरासिटॉइड्स सो पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं हमारे ये जो होते हैं दे ले एग्स और आ, आ, दे ले एग्स ऑन और, और इनसाइड होस्ट इंसेक्ट्स सो so, इनमें जो होते हैं जनरली हमारे ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज आती है सो so, ये क्या करते हैं ये एग्स ले करते हैं एंड वहीं पर कॉलोनाइज करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड की तो थर्ड है हमारे सो पैथोजें so, जो होते हैं ये अगर हम इनमें बात करें तो हमारे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह इसमें आ सकते हैं एंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल होते हैं बेक्यूलो वायरसेस के सिमिलरली अगर हमारे फोर्थ ऑप्शन फोर्थ गिवन ऑप्शन की बात करी जाए तो फोर्थ होते हैं हमारे कंपेटिटर्स सो कंपेटिटर्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आउट कंपीट पेस्ट फॉर रिसोर्स एंड इनमें हमारे मेसो बेनिफिशियल होते हैं सोइल फंजाइ दैट कैन सप्रेस हार्मफुल सोइल पैथोजंस बाय कोलोनाइजिंग सो अब अगर हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की सो so, ट्राइकोडर्मा क्या है ट्राइकोडर्मा हमारी एक फंजाइ की स्पीशीज है सो so, ये हमारी फनजाई की स्पीशीज होती है एंड ये क्या करती है ये हमारी हेल्प करती है इन इन मैनेजिंग प्लांट डिजीज सो ये प्लांट डिजीजेस में प्लांट डिजीज मैनेज करने में हेल्प करती है एंड ये ऐसे प्लांट डिजीज मैनेज करने में हेल्प करती है जो कि uh, होते हैं जो विच आर जनरली कॉज्ड बाय सोयल बॉर्ड फंगल पैथोजें सो जो हमारे सोयल बॉन्ड फंगल पैथोजें होते हैं उनकी वजह से जो डिजीज़ेस होते हैं प्लांट्स में ये उनको जनरली कम कम करने में हेल्प करती है सो so, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन की तो ये क्या करते हैं ट्राइकोडर्मा की जो स्पीशीज होती है ये इनहेबिट करती है सॉयल बॉर्न फंगल पैथोजेंस के बेसिकली इनको क्या करती है ये हार्मफुल होती है इनकी ग्रोथ के लिए एंड ये जो होते हैं ये वर्क करते हैं बाय माइको पैरासिटिज्म में जनरली देखा जाता है कि जो हमारी ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती है सो so, ट्राइकोडर्मा क्या करते हैं ये हमारे कोलोनाइज uh, करते हैं सो इट कॉलोनाइज एंड फीड्स ऑन एंड so, ये फीड करते हैं, ये करते हैं. ये किन पे फीड करते हैं ये इन सॉइल बॉर्न पैथोजेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस जो होते हैं हमारे ट्राइकोडर्मा ये हमारे एनजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं एंड अलोंग विद एनजाइम्स ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को भी प्रोड्यूस करते हैं एंड इससे क्या होता है हमारा इट हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ सेल्बॉल सो so, ये जो होते हैं हमारे फर्दर इनका देखा जाए तो ये सेल वॉल डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं यानी किसकी सेल वॉल डिग्रेड करने में हमारी हेल्प करते हैं पैथोजेनिक फंजाय की सो so, जो हमारी पैथोजेनिक फंजाय होती है ये उसकी सेल वॉल को यहाँ पे डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं फर्दर जो होता है उनके सर्वाइवल के लिए ये चीज काफी हार्मफुल होती है अगर हम इसके इनके बेनिफिट्स की बात करी जाए तो बेनिफिट्स में हमारा देखा जाएगा दैट इन्होंने काफी uh, इनके यूज से हमारे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो काफी कम यूज होने लग गए हैं सो दे दे हैव प्रमोट देो और दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड केमिकल पेस्टिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे इको फ्रेंडली होते हैं एंड ये हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज इन्वायरमेंट बिकॉज वी हैव टू सेव आर क्रॉप्स एज वेल सो ये हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे बेक्यूलो वायरसेस की सो so, हमारे बेक्यूलो वायरसेस क्या होते हैं सो so, जो हमारे बेक्यूलो वायरसेस की ये हमारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं इंसेक्ट्स को सो दुलो वायरसेस हेयर ये क्या करते हैं ये स्पेशली टारगेट करते हैं इंसेक्ट्स को एंड देयरफॉर इसलिए इनको यूज करा जाता है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल नाउ अगर हम बात करें कौन से इंसेक्ट्स तो ये जो होते हैं ये कैटरपिलर्स को टारगेट करते हैं एंड कैटरपिलर्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे ऑर्डर लेपिडॉप्टरा को सो so, ये हमारे ऑर्डर लेपिडॉप्टेरा को बिलोंग करते हैं एंड अगर हम इनकी फाइलम की बात करते हैं तो इनका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा सो so, ये इनको टारगेट करते हैं एंड अगर हम इनके फर्दर uh, बात करें कि क्या करते हैं तो इनमें देखा जाता है दैट आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट्स सो आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट्स ये क्या करते हैं वायरस जो होता है ये इंसेक्ट सेल्स में चला जाता है सो so, ये इंसेक्ट सेल्स हैं एंड इनमें जाके ये क्या करता है ये यहाँ पर रेप्लीकेट uh, करता है सो द वायरस है और रेप्लीकेट्स एंड ये रेप्लीकेट करने के बाद ये इतना रेप्लीकेट कर जाता है कि जो हमारा इंसेक्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है एंड फर्दर नेक्स्ट ये साइकिल में चले जाते हैं ना अब अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जो ये जो uh, हमारे बेक्यूलोर वायरसेस होते हैं ये काफ़ी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं एंड ये होस्ट स्पेसिफिक होने की वजह से uh, ये जो होते हैं ये दे कॉज नो हार्म दे कॉज नो हार्म टू नॉन टारगेट स्पीशीज जितनी भी हमारी नॉन टारगेट स्पीशीज होती हैं एनिमल्स होते हैं है, उनको टारगेट नहीं करते हैं uh, है. है, इनकी देखा जाता है दैट जो हमारे बेक्यूलो uh, वायरसेस होते हैं इनमें देखा जाता है दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल सो विच मीन्स कि ये जो है हमारे फर्दर uh, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे एंड बिकॉज ये uh, एक तरह से हमारा नेचुरल सोर्स होता है एंड ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं सो ये काफी बेटर uh, होते हैं नेक्स्ट आता है हमारा दे आर आइडियल फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सो इनको काफी इनकॉर्पोरेट कराया जाता है इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट विच इज आईपीएम सो ये जो होते हैं अलोंग विद अदर टेक्निक्स ये काफी यूज uh, करे जाते हैं इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज आई प्रोग्राम एंड इनकी एक स्पेसिफिसिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है सो देफो दे कैन बी यूज अलोंग अदर मेथड एंड इनकी एफिकेसी काफी इंप्रूव हो जाती है सो देफो दिस इज द आंसर फॉर द गिस्टूड इट टेस्ट ऑफ लक